हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वैल्यू करीमी। आज हम बनाते हैं मैंगो मिल्कशेक घर पे। तो चलिए शुरू करते हैं मैंगो मिल्कशेक की तैयारी। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 3 हरी इलायची। हम इसे कूटकर खोल देंगे। यहाँ हम 2 आम लेंगे, तो उसके लिए हमने 3 इलायची का इस्तेमाल किया हुआ है। अब आप जैसा देख सकते हैं, हमने इलायची के दानों को अलग कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे हल्की सी चीनी, ताकि जब ये कूटे ये बिल्कुल फाइन कंसिस्टेंसी हो। देखिए आपका इलायची पाउडर कितना फाइन बन चुका है। तो आप जब मिल्कशेक पियेंगे, इलायची के दाने आपको बीच में नहीं आएंगे। अब चलिए मिल्कशेक की मेन इंग्रेडिएंट की तरफ। यहाँ पे हमने लिया है 2 अल्फेंजो मैंगोस। अगर आपको कोई और वैरायटी हो जो खाने में थोड़ी मीठी हो और फ्लैशी हो, आप वैसे एक तरीके का भी आम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमने पर आज अल्फेंजो का इस्तेमाल किया हुआ है। अब हम इसे काटेंगे और एक इजी तरीका भी बताएंगे इसका मीट निकालने का। अब आप एक नाइफ की मदद से इसमें स्लिट्स करिए बीच में, और ऐसे ही सारे जो आपके आम हैं इनको स्लिट्स करके रेडी रखिए। अब यहाँ हम एक बोल लेंगे और ये जो सारे मैंगोज़ हैं इसे एक बड़े चम्मच की मदद से स्कूप आउट करेंगे। इससे क्या होता है कि आपके जो इसके जो स्किन में लगा हुआ आम है वो भी अच्छी तरह से निकल जाता है और ज़ीरो वेस्टेज होता है। इसी तरह से जो अपने सारे आम रेडी करके रखे थे उनके फ्लैश निकालिए, और ये जो कोड होता है बीच में का, इसे तो द बेस्ट वे इज़ कि आप अपना हाथ इस्तेमाल कीजिए और इसे अच्छी तरह से स्क्वीज कर दीजिए, ताकि इसका जो जूसेस है वो सारा कुछ बोल में निकल जाए। अब हम इसमें डालेंगे हमने जो ये कुटा हुआ इलायची पाउडर रेडी रखा हुआ था, इसे हम एक मिक्सर जार में शिफ्ट कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे वनीला आइसक्रीम। आप अल्टरनेटिवली मैंगो आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, बट वनीला एंड मैंगो का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा जाता है मिल्कशेक के लिए। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1 कप दूध। कंसिस्टेंसी आप पर है, आपको कितना थिकनेस रखना है उस तरीके से आप इसमें दूध डालिए। जब आपका मिल्कशेक बन रहा है, ग्राइंड हो रहा है, आप इसकी गार्निश की तैयारी करें। हमने यहाँ पे लिया हुआ है आलमंड्स, इसे हम अभी पतला चॉप करेंगे, और हमने लिया हुआ है यहाँ पे ब्लैक रेजन्स एज वेल, तो वो भी हम इसे चॉप करके इसे ऊपर से डालेंगे। अल्टरनेटिवली आप पिस्ताचियोज या अगर आपको काजू पसंद है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए हमारा मैंगो मिल्कशेक रेडी है। हम इसे एक ग्लास में पोर कर लेंगे। हमने थोड़े फ्रेश मैंगो के पीसेस निकाल लिए थे गार्निश के लिए, तो हम वो भी डाल देंगे अब इसमें। अब इसमें जाएगा एक छोटा स्पून वनीला आइसक्रीम का, ये ऑप्शनल है। और अब जाएगा जो हमने वो चॉप कर ड्राई फ्रूट्स रेडी रखे थे, हम ऊपर से इसे डाल देंगे। तो आपका बिल्कुल इजी सिंपल मैंगो मिल्कशेक तैयार हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमें ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।